सपोज अगर मेरी शादी ना हुई मेरा एक घर होगा जिसमें कोई दस पंद्रह कुत्ते होंगे हर नस्ल के। बहुत जल्दी सेपरेशन हो गई थी मेरी मदर की वेन शी वॉज प्रेगनेंट विद मी इवन सोशल मीडिया वो भी मैं ज्यादा यूज नहीं करती हमारे कल्चर में एक प्रेशर है बच्चों पे कि वो या तो डॉक्टर बने या वो इंजीनियर बने हमारे कैसे हैं हर बात पे उन्होंने जुगत मारनी होती होती है ही सच एन एनर्जी बॉल तो मैं दुआ करी होती मैं दुआ कर रही बैठूंगी ना ट्रेन में, में मेरे साथ कोई ना हो तुमने साइकोलॉजी पढ़ी है ना उन्हें तेरा दिमाग और घुमा अच्छा कभी कोई ऐसा फोटोशूट भी हुआ आपका जिसपे आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ा हो किसी ने कोई इतराज किया हो या आपको खुद लगा हो की इसमें कोई मसला था या मुझे नहीं करना चाहिए था कभी कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम हुआ आपके साथ इंस्टाग्राम पे मैसेज करके लोग जो है वो गलत किस्म की ऑफर्स करते हैं पॉजिटिव से ज्यादा मुझे नेगेटिव रोल्स करने का शौक है हमारी सोसाइटी में एक टैबू बना हुआ है इस फील्ड से रिलेटेड मुझे लगता है कि मैं शायद चीजें जल्दी से ग्रास्प कर लेती थी, थी। वरना पढ़ना तो मैंने एक रात पहले ही होता था तो जब मैं यूनिवर्सिटी में गई तो मोस्टली मैं अकेली ही फिर रही होती थी हैंड्स फ्री लगा के मैं जब ज्यादा इंटरेक्ट करती हूँ ना किसी से तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा जो ब्रेन है ना वो शट डाउन हो रहा है आई गॉट पेड लाइक टेन थाउजेंड फॉर इट बट ऑब्वियसली अमाउंट छोटी सी थी लेकिन मुझे खुशी हुई थी कि यार ये मेरी है पंजाबी जो है वो मेरे लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट है बोलना

Uh, सबसे पहले नाम आपका जी माहरुख तो होता है ये माहरुख का उल्ट रुख बा क्या मतलब है इसका पता नहीं शायद मेरे घर वालों को और कहीं नाम नहीं था मिला <laughs> रुख मीन्स चेहरा और माँ मीन्स चांद मारुख का भी शायद यही मीनिंग है लेकिन पता नहीं <laughs> चलें आपके करियर की तरफ तो आते हैं और इस पे भी आएंगे कि आप इंट्रोवर्ट क्यों हैं क्या होते थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि आप कहाँ से करती हैं हैं कैसे इस फील्ड में आई बेसिकली होम टाउन जहलम था मैंने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज जो है वो वहीं से किया था तो शौक मुझे एक्टिंग का हुआ जब मैं बारह तेरह साल की थी अच्छा। तो उस वक्त फिर ख्याल आया कि चलो फैमिली से पूछ लेते हैं पहले था कि चलो एक शौक है तो शायद अंदर ही रह जाएगा लेकिन ये था कि अब हो गया है तो लेट्स फाइट फॉर इट तो मैंने उसी वक्त फिर अपनी फैमिली से बात की मैंने कहा कि मैं एक्टर बनना चाहती हूँ आगे मॉडल एक्टर तो पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो गए थे क्योंकि ज़ाहरी बात है हमारी सोसाइटी में एक वैसे ही टैबू बना हुआ है इस फील्ड से रिलेटेड कि अच्छी फील्ड नहीं है यहाँ पे जो है वो यहाँ के इन्वामेंट यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं कल्चरली ओवरऑल इसको अच्छा नहीं समझा जाता तो हाँ पहले काफ़ी हेजिटेशन थी लेकिन मेरी मदर जो थी शी हैज बिन अ बिग सपोर्ट उनको जब रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये पैशनेट है और शायद ये ना रुके तो उन्होंने कहा कि इसको सपोर्ट ही करना चाहिए तो उनकी सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पर पहुँची हूँ तो ये था कि यहाँ मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए आई थी हाँ ग्रेजुएशन मैंने यहाँ एफ हाँ जी ग्रेजुएशन मैंने यहाँ एफ कॉलेज से की थी और साथ साथ जो है वो मैं फिर मॉडलिंग कि दैट ऑफ था एफसी कॉलेज में तो नॉर्मली पढ़ने वाले बच्चे जाते हैं मतलब आप पढ़ने वाली थी फिर मैं एक ओवरऑल एक एवरेज स्टूडेंट थी आप यूँ समझ लें कि ए ए प्लस आ जाते थे लेकिन अक्सर اوقات बी भी आ जाते थे और कभी-कभी सी -कभी भी आ जाते थे बस पास तो, हो जाते थे uh, नहीं आई वाज अ गुड स्टूडेंट बट आई वाज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट

आई बिलोंग फ्रोकन फैमिली तो फादर से तो इंटरक्शन है नहीं तो ये था कि interaction भी नहीं है नहीं बिल्कुल भी नहीं अच्छा। तो ये था कि ग्रोइंग शुरू से नानों के घर में ही होती थी और बहुत जल्दी सेपरेशन हो गई थी मेरी मदर की वेन शी वॉज प्रेगनेंट विद मी तो अच्छा। पैदा भी मैं अपने नानों hmm. के घर ही हुई और वहाँ पर ही उन्होंने मुझे पाला पोसा तो खालाएं थी नानों hmm. नाना नानी थे उनकी तो डेथ हो गई हुई है अभी और एक मेरे मामू थे तो वो बस तो कभी फादर से मिली भी नहीं लाइफ में आई हैव मेट हिम वंस और ट्वाइस बट आई फील लाइक कि एक फ्लो में मुझे लगता है कि जब सब कुछ जा रहा होता है तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता था, था उनसे इस तरह बार बार मिलना एक आध दफ़ा आई हैव मेट हिम बट देन आई फील लाइक इट्स बेटर टू नॉट मीट हिम कब किस एज में मिली थी आप आई वॉज फिफ्टीन अच्छा उसके बाद फिर नहीं मुलाकात आ, नहीं उसके बाद नहीं मुलाकात हुई और ये था कि मैं खुद पर्सनली नहीं चाह रही थी और वो फादर उधर से ही हैं आपके मतलब वो भी झेलम में ही रहते हैं या आ, किसी नहीं नहीं वो अब आई थिंक आउट ऑफ कंट्री होते हैं बट ही इज फ्रॉम पाकिस्तान मतलब के अरेंज्ड मैरिज ही थी अच्छा फैमिली फैमिली में थी आपके आपकी मदर की आ, नहीं फैमिली में नहीं थी लेकिन आ, कोई जानने वाले थे शायद रिश्ता कराया तो आपके कोई उसके बाद स्टेप ब्रदर या सिस्टर आपकी मदर ने फिर उसके बाद आ, नहीं नहीं मैं सिंगल सिबलिंग हूं तो बस ये है बस मां ने पूरी लाइफ आपको दी दे दी अम्मा ने सारी लाइफ मैं अब अम्मा को मजाक में छेड़ती हूँ कि अम्मा जी तुझे तो दूजावे क्यों नहीं कर लिया माय मॉम इज लाइक नहीं, like नहीं बेटा शादी एक ही दफा होती है और अब नहीं तो कहती हैं मेरे पास तुम जो हो तो अब मैंने क्या करना शादी करके और शी लाइक कि मैं खुश हूं ऐसे तो इस वजह से फिर अच्छा भी आप भी एक जी आप भी आप खुद भी ब्रोकन है आपके हस्बैंड छोड़ गए बच्चे भी साथ <laughs> लेके चले गए इसलिए आप बहुत उदास रहती हैं हर वक्त हैंड स्त्री कान में लगा के घूमती रहती हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बातें हैं मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि मेरे सिबलिंग्स नहीं थे तो मोस्ट ऑफ द चाइल्डहुड मेरा अकेला ही गुजरा खुद ही खेल रही होती थी हाँ मेरी खलाएँ होती थी उनको मैंने खेलने पे लगाया होता था लेकिन एज अ चाइल्ड आई वाज मोस्टली अलोन तो एक इंट्रोवर्ड पर्सनालिटी डेवलप हो गई स्कूल में भी आ, मेरे ख्याल से केजी क्लास से लेकर थ्री क्लास तक मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं था अच्छा मैं खुद ही रिसेस में फिरती थी खुद ही लंच खाया और मुझे बुरा भी नहीं था लगता आई वॉज टोटली हैप्पी विद इट तो वो एक पर्सनैलिटी डिवेलप हो गई थी फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होता गया ये सब तो जब मैं यूनिवर्सिटी में गई तो मोस्टली मैं अकेली ही फिर रही होती थी हैंड्स फ्री लगा के तो लोगों को बड़ी हैरत होती थी कि यार क्योंकि मोस्टली ग्रुप्स में होते थे या एक एकद फ्रेंड तो ज़रूर होता था मैं अकेली कैफे में जा रही हूँ अकेली फिर रही हूँ कोई मसला नहीं है मुझे नहीं। तो इस वजह से ना लोगों को ये एटीट्यूड मेरा बड़ा वियर्ड लगता था जैसे ये पता नहीं दैट समथिंग आउट ऑफ द दर्डीनरी हालांकि दैट वॉज जस्ट मी दिस इज़ माई पर्सनैलिटी तो बहुत सी अफवाहें भी लोगों ने अपने से फैलाई हुई थी कि नहीं यार लगता है इस, इसकी शादी हुई है और शायद इसके मियाँ ने डिवोर्स कर दी है तभी इस अकेले फिर रही होती है और एक ने तो ये भी कहा था कि मैंने सुना था कि इसकी शादी हो गई हुई है और इसके बच्चे हैं और बच्चे हस्बैंड ने रख ली है अच्छा। और इसको डिवोर्स दे दिया इसलिए अकेले फेरे होते हैं नाम लाइक यार ये कब हुआ है तो लोगों को ये चीज बड़ी आउट ऑफ द बॉक्स लगती है हालांकि मेरे लिए इट्स वेरी ऑर्डिनरी वैसे कभी कोई प्रॉब्लम हो आपको इंट्रोवर्ट होने की वजह से इस फील्ड के अंदर क्योंकि आप जिस फील्ड में इसमें तो लोग नॉर्मली एक्सट्रोवर्ट होते हैं हर तरह लोगों के साथ उठना बैठना घुलना मिलना बातचीत करना होता है बीइंग एन इंट्रोवर्ट हैव यू एवर फेस्ड एनी प्रॉब्लम मुझे लगता है बहुत ज्यादा और आई थिंक सो कि मैं उस तरह से काम नहीं कर पाई मॉडलिंग की फील्ड में दैट बिकॉज ऑफ मी बीइंग एन इंट्रोवर्ट क्योंकि ज्यादातर ना एक लॉबीज अपनी बनाई होती हैं लोगों ने एक वो फ्रेंड्स होते हैं उन्हीं को काम दे रहे होते हैं और मेरा तो एटीट्यूड है ही नहीं अकेले रहने वाली मेरी आदत है और ज़्यादा वो इंटरेक्शन ही नहीं मेरा तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हाँ शायद उस तरह से प्रोजेक्ट्स मुझे नहीं मिल पाए बिकॉज़ मेरी इतनी वो है नहीं यू नो एक वो एबिलिटी टू सोशल सर्कल जैसे आप कह रहे हैं एबिलिटी टू इंटरैक्ट विद पीपल या एबिलिटी टू मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स पता नहीं मेरा मैं जब ज्यादा इंटरेक्ट करती हूँ ना किसी से तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा जो ब्रेन है ना वो शट डाउन हो रहा है तो फिर मुझे अकेले जाके ना अपने आप को रिस्टोर करना पड़ता है अपनी सारी एनर्जी जो है वो रिस्टोर करनी पड़ती है लेकिन मैं कहती हूँ कि जहाँ अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचाया तो आगे भी अल्लाह ताला पहुँचा ही देंगे लेकिन हाँ ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इवन सोशल मीडिया वो भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती कोई अच्छा। हफ्ते या दो हफ्ते बाद ही मेरी कोई एक स्टोरी लग रही होगी या एक पोस्ट लग रही होगी तो लोग कहते हैं यार आपके लिए तो इतना ज़रूरी है सोशल मीडिया है बिल्कुल तो, तो क्यूँकि <laughs> मेरे बस की बात नहीं चीजें इनफैक्ट मुझे लगता है की मैं शायद मॉडल या एक्ट्रेस ना होती तो प्रोबेबली मेरा सोशल मीडिया भी ना होता मेरा सारा कुछ शट ऑफ ही होता है और मैं आराम से बैठी फील्ड में तो अच्छा, स्टडी मैंने साइकोलॉजी में की थी इसकी हिस्ट्री ये है की शुरू से मैंने तो अभी आपको जैसे मैंशन किया मैंने बता दिया था फैमिली को कि मुझे ना एक्टिंग मॉडलिंग का शौक है लेकिन फिर एक सर्टन हमारे कल्चर में एक प्रेशर है बच्चों पे कि वो या तो डॉक्टर बने या वो इंजीनियर बने ये कुछ प्रोफेशन हैं अगर बच्चा वो बन जाता है तो ये अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी दे आर मोर सक्सेसफुल उनको लगता है कि बाकी फील्ड्स के लोग हैं वो उनका करियर सेव नहीं है नहीं। तो मेरे घर वालों ने मुझे थोड़ा सा कहा था और उस वक़्त एक वैसी बड़ा कंपटीशन था कि आप डॉक्टर बनना है ये करना है वो करना है तो मैंने कहा चलो ट्राई करके देख लेते हैं तो मैं एफ मैंने एफ एस सी प्री मेडिकल में की तो एफ एस सी मेरी बहुत ख़राब गई थी उसमें मैंने अच्छा। बिल्कुल ख़ास पढ़ा नहीं था तो लेकिन वैसे ओवरऑल अगर मेरा एजुकेशनल uh, रिकॉर्ड देखा जाए तो इट वॉज़ गुड बट एफ एस सी में आइसक्रूड अब रियली बैड तो फिर uh, मैंने कहा कि चलो यहाँ पर नहीं होता तो खैर है वैसे भी मैंने अगर प्राइवेट कर भी लिया तो आगे जाके मैंने तो एक्टिंग में ही जाना है तो फिर मैंने कहा लेट्स गो फॉर समथिंग एल्स फिर मैंने यहाँ एफ कॉलेज में एडमिशन लिया बायो साइंसेज में हमारे एफ कॉलेज का ये है कि ये लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी है यहाँ पे आप अपना मेजर ज़रूरी नहीं कि आप पहले साल में ही डिक्लेयर कर दो तो मैंने साइकोलॉजी पढ़ी एज अ जनरल एजुकेशन सब्जेक्ट वो आपकी रिक्वायरमेंट होती है आपको सर्टन हर किसी ना किसी सब जनरल एजुकेशन कोर्स पढ़ना पड़ता है जैसे मैंने एजुकेशन भी पढ़ी हुई है सोशोलॉजी भी पढ़ी हुई है साइकोलॉजी भी हर कोर्स में से कोई ना कोई आपने सब्जेक्ट लेना होता है तो व्हेन आई स्टडीड साइकोलॉजी तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट हुआ hmm. तो आई थॉट कि चलो लेट्स गो फॉर इट तो इस तरह फिर मैं साइकोलॉजी में आई और मुझे लगता है कि मेरा फैसला सही था वो तो साइकाट्रिस्ट जो होते हैं वो माइंड पढ़ लेते हैं लोगों का ये बात तो सही नहीं है? नहीं नहीं ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन अच्छा। है अच्छा दो चीजें मैंने बहुत ज्यादा सुनी है अपने बारे में एक तो अगर मैं किसी को बताती हूँ ना कि मैंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है एक तो वो कहते हैं अच्छा बताओ फिर मेरे दिमाग में क्या चल रहा है तो मुझे क्या पता तो और एक और मिसकन होता है कि तुम साइकोलॉजिस्ट हो ना जो साइकोलॉजी पढ़ता है मैंने सुना उनका दिमाग ना थोड़ा सा फिर जाता है अच्छा, ही हाँ मैं कहती हूँ यार क्या हो गया जरूरी तो नहीं, नहीं। फिर जब मुझे कोई परेशानी होती है ना अगर मैं अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर रही हूँ कि यार ये ये हो गया और एनजाइटी हो रही है ये वो तुमने साइकोलॉजी पढ़ी है ना उन्हें तेरा दिमाग और घुमा छिया अच्छा नहीं तो ऐसा नहीं होता माइंड रीडिंग नहीं मुझे लगता करते लेकिन एक चीज़ जो मैंने साइकोलॉजी से सीखी है वो ये है कि पहले अगर कोई मेरे से इंटरेक्ट करता था तो अगर लेट्स सपोज वो बंदा रूड हो रहा है मेरे से तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था मैं कहती थी कि यार ये तो है ही ऐसा ये वो बट hmm. साइकोलॉजी पढ़ने से मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार अगर वो रूड है हो सकता है कि कोई और वजह हो या हो सकता hmm. है कि दैट पर्सन इज़ हैविंग अ बैड डे तो मैं उसको रैशनलाइज करने की कोशिश कर लेती हूँ तो मुझे लगता है कि ये पढ़ने का फ़ायदा हुआ है कि मैं शायद जज अब मैं बिल्कुल भी नहीं करती ज़ीरो जजमेंट hmm. का एलिमेंट मेरे में बिल्कुल भी नहीं है हर किसी की आई थिंक अपनी हर हर किसी ने अपने दिमाग में अपनी लिमिट्स hmm. बनाई होती हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज बनाए होते हैं अगर मैं लेट सपोज सी समवन जो मेरी लिमिट्स से या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मिल रहा hmm. या कुछ और कुछ कर रहा है ठीक है दैट इज़ मे बी नॉट सुटेबल फॉर मी मैं उसे जज नहीं करती मैं कहती हूँ लेट इट बी मेरा मैंने अपनी कब्र में जाना है एंड आई शुडेंट बी जजमेंटल अबाउट इट हु जजमेंटलोज कि वो अल्लाह की नज़र में क्या हो? बिल्कुल कौन क्या है ये तो कोई नहीं जानता बिल्कुल बिल्कुल अच्छा एंगजाइटी का भी आपने जिक्र किया ट्रेन के सफर का भी फिर बताए ना कि आप <laughs> ट्रेन पे क्यों चली जाती हैं है फॉरन uh, मुझे भी जाना आप मैं ट्रेन पे जाना है <laughs> हाँ मैं जहलम अक्सर जब जाती हूँ तो मैं ट्रेन पर ही जाती हूँ और इसकी वजह यह कि ना मुझे मोशन सिकनेस बहुत ज्यादा है मुझे ट्रैवल फीवर है तो मैं जब भी जाती हूँ तो ट्रेन पे एक वो फ्लो में चल रही होती है ना इसलिए दिल खराब नहीं होता वरना आप किसी बस पे जाओ वो फिर बार बार रुकती है तो वो बड़ा खराब होता है मेरा इसलिए मैं प्रेफर हूं मैं प्रेफर करती कि ट्रेन पे ही और ट्रेन में किस तरह के वाकत पेश आते हैं किस तरह के लोग मिलते हैं वहाँ पे यार मैं आपको जैसे मैंने बताया कि मैं एक बहुत इंटरवर्ड पर्सनैलिटी हूँ तो मैं दुआ कर रही होती हूँ कि मैं बैठूंगी ना ट्रेन में मेरे साथ कोई ना हो और अगर कोई हो तो मैं दुआ कर रही होती कि वो ऐसा बंदा हो जो ज्यादा बात ना करे लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता अः कोई ना कोई आंटी जरूर बैठी होती है अच्छा। पह, आ, पहला सवाल उनका ये होता है कि तुम लोर जा रहे हो मैं कहती हूँ जी आगे से मैं नहीं पूछती कि आप कहाँ जा रहे हैं वो खो दे अच्छा मैं भी लोर जा रही है मेरे ससुर नु हो, हो गया तो मेरे परा नु हो गया तो मैं कहा फिर मैं बीच में इंतजार कर रही होती हूँ कि कब वो चुप करेंगी तो वो जब खामोश होती है ना तो मैं एकदम से ईयरफोन्स लगा लेती हूँ मैं यू करके ना आई लाइक आई एम स्लीपिंग ताकि मुझे तो हो जाए। पता ना लगे कि मैं उठी हुई हूँ और वो मेरे साथ दोबारा बात ना शुरू कर दें तो ये इट्स इट्स एन इंट्रोवर्ड्स नाइट ज्यादा बात करना ज्यादा इंटरैक्ट करना तो बस ये है <laughs> तो मोशन सिकनेस में आपने डॉक्टर कैसर को नहीं देखा वो तो इस बड़े इलाज बताते हैं आप उनको देखा करें वो सोल्यूशन दे देते हैं इस चीज़ का अच्छा मोस्टली मैंने सुना है कि इट्स ऑल इन द हेड इट्स ऑल साइकोलॉजिकल काफ़ी लोग मुझे कहते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मेरे साथ साइकोलॉजिकल नहीं है क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा मैं बस में ट्रैवल मैंने किया है एंड आई नॉट आई डिड नॉट ट्राई टू थिंक अबाउट इट बट फिर भी मुझे हुआ है आई थिंक वो डिपेंड करता है ऑन द ड्राइविंग या किस तरह या शीशे खुले हैं इस तरह तो मुझे लगता है कि मेरी इमोशन इट्स नॉट साइकोलॉजिकल इट्स नहीं।, है था नहीं। <laughs> अच्छा पहला प्रोजेक्ट आपको कब मिला था और कितने पैसों का मिला था और कैसे मिला था अच्छा मैं जब आई थी यूनिवर्सिटी में तो मैंने कहा कि एक्टिंग तो चलो बाद में होगी क्योंकि जब आप साथ साथ पढ़े होते हो क्योंकि मेरी मदर ने भी कहा था कि आप एजुकेशन कंप्लीट कर लो उसके बाद आप एक्टिंग परस्यू कर लेना एक सिक्योरिटी हो जाती है तो मैं सर्च करती थी इं, आ, इंटरनेट पे ना मुख्तफ एजेंसीज़ को या कोई फोटोग्राफ़र क्योंकि बहुत से फेक लोग भी होते हैं यू नेवर नो तो फिर आई केम अक्रॉस दिस एजेंसी Uh, उस पर ब्लूटिक भी था और के अच्छा जानने वाला बंदा था जो उसका सी था तो फिर मैंने वहाँ पर कॉन्टेक्ट किया एड एजेंसी थी तो मैं उधर गई तो ज़्यादातर तो मुझे स्टिल शूट्स का ही शौक था व्हेन इट कम्स टू तो मॉडलिंग इतना एड्स वगैरह का वो खपाई काफ़ी होती है एड्स में तो फिर उसके बाद मैं गई वहाँ पे एजेंसी में उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया फिर वहाँ पे मेरी फ्रेंडशिप हुई कुछ एक आध लोगों से उन्होंने फिर मुझे एक फ़ोटोग्राफर से मिलाया लेकिन पहला प्रोजेक्ट था वो मैंने एक छोटा सा डीवीसी कमर्शियल कमर्शल किया था और आई गॉट पेड लाइक टेन थाउजेंड फॉर हैड बट ऑब्वियसली अमाउंट छोटी सी थी लेकिन मुझे खुशी हुई थी कि यार ये मेरी है आई वॉन्ट तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ इसका तो आई थिंक आई एम द काइंड ऑफ पर्सन के अगर मेरी शादी भी हो जाएगी ना किसी बिलियनियर से भी लेकिन मैं के, मैं कहूँगी कि जो अपना पैसा है ना उसका तो, जो एक नशा होता एक है ना उसकी एक तो. जो खुशी होती, होती है ना वो किसी में नहीं होती तो आई थिंक आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जो हु लाइक्स टू अर्न एंड स्पॉयल हर ओन सेल्फ तो कभी इस तरह के फेक लोग भी मिले मॉडलिंग में जब आप देख रहे होते हैं एड्स या राब करें तो मतलब आ, अजीब किस्म की ऑफर्स के जी ये ऑफर है फिर इसके साथ ऐसे तो को ऐसे चीज फेस करनी पड़ी आपको करियर में अच्छा लकीली इतना कुछ मुझे नहीं फेस करना पड़ा क्योंकि ऑनेस्टली ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करती नहीं हो लेकिन हाँ ऐसे होते हैं जो आपको ना स्कैम करते हैं मैसेजेज अभी मुझे आते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों से कि ये प्रोजेक्ट है या ये है वो है बट इसका मुझे इतना इशू नहीं हुआ जितना मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके लोग जो हैं वो गलत किस्म के ऑफर्स करते हैं क्योंकि मोस्टली मोस्टली लोग परसीव करते हैं कि जो लोग इस प्रोफेशन से होते हैं वो शायद यू नो देर इन टू समथिंग एल्स तो हाँ आई हैव रिसीव लॉट्स ऑफ मैसेज लाइक दीज लेकिन हाँ ओवरऑल uh, वैसे स्कैमिंग होती है तो लेकिन मुझे ये था कि आई हैड बिन लकी इन दिस मुझे पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ फेक है और कौन सी चीज़ रियल है सबसे पहले तो मैं या तो उसके अकाउंट पर जाती हूँ और द, मजीद अगर किसी और को का म्यूचुअल है या किसी में एडेड है तो फिर मैं उससे पूछती हूँ कि ये क्या सीन है ये रियल है ये नहीं है बट हाँ बहुत सी हमारी जो है वो फीमेल्स स्पेशली वो स्कैम में फंस जाती हैं तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि दे नीड टू बी अलर्ट और फॉरन जो आपको मैसेज करता है इंस्टाग्राम पे ऑफर्स जो है वो अगर वो देते हैं तो यू शूड फॉल फॉर इट पहले आप रिसर्च कर लें अपनी अच्छी खासी उसके बाद गो फॉर इट तो अभी आप कितने पैसे लेती है एक शूट के? <laughs> अभी तो वैसे डिपेंड करता है आ, शूट फ्रॉम शूट टू शूट लेकिन हाँ डेफिनेटली जो वो अमाउंट मैंने अब बताई थी उसे तो थोड़ा ज्यादा ही होता है फिर भी अगर बता दें तो एवरेज एवरेज होता डिपेंड कर रहा होता ब्रांड टू ब्रांड के उनकी अपनी क्या बजट क्या है, क्या है क्या कितना बड़ा है लेकिन एवरेज कितने मिल जाते हैं एवरेज बिल्कुल मॉडलिंग फील्ड में एवरेज नाम की कोई चीज नहीं है बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ शूट्स कुछ आउटफिट्स होते हैं जो आपके ब्राइडल होते हैं उसमें आपका चार्ज थोड़ा ज्यादा होता है ठीक है कुछ आउटफिट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल प्रोडक्ट शूट्स होते हैं जो सिंपल फ्रंट बैक साइड बस जाके चेंज करो और एक दो घंटे में खत्म हो जाने वाला होता है कब देन कम्स हर किसी की अपनी वो एक वो है, no तो महीने की एवरेज कितने पैसे कमा लेती है महीने की एवरेज पता नहीं डिफरेंट होती है कभी कभी मैं घर बैठी रहती हूँ अच्छा कोई काम तो नहीं कभी कभी हाँ कभी कभी मैं खुद ब्रेक आ, आ, आ,

तो uh, मैं मजाक में एज अ गेस्ट आई थी दो दफ़ा uh, जब दूसरी दफ़ा मैं आई समर आई थिंक सितंबर 2021 में मैं एज अ गेस्ट गई एज अ मॉडल तो नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे कॉल की कि वी आर लुकिंग फॉर अ को होस्ट और uh, आप इंटरेस्टेड हैं क्या इस पोजिशन में तो टू बी आई सेड येस बिकॉज इट माइट बी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी क्योंकि ऑल दो आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन को होस्टिंग और होस्टिंग एंकरिंग एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है मैं नहीं कर सकती ओविंग टू माई नेचर एंकरिंग में क्या होता है आपको एक सर्टन लेवल ऑफ एनर्जी चाहिए होती है एक सर्टन लेवल ऑफ आपका एक लाउड होना पड़ता है आपको और वो मुझे लगता है कि मेरे में इतना नहीं है मैं धीमा लह जाए मेरा और इतना इंगेजिंग मैं नहीं हूँ वो उसमें कॉन्टीन्यूसली आपको ऑडियंस uh, के साथ ऑडियंस कह रही हूँ गेस्ट्स के साथ एंगेज रहना होता है और इनफैक्ट हाँ ऑडियंस को भी इंगेज रखना होता है विद योर क्लैपिंग एंड विद योर लाफ्टर्स तो हाँ मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट था लेकिन खैर मैंने कहा कि ओके लेट्स डू इट इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस क्योंकि इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म माशाल्लाह कि अच्छा खासा प्रोग्राम है और काफी अर्से से चल रहा है तो आई वेंट फॉर इट मैंने ऑडिशन दिया और फिर कुछ मीटिंग्स वगैरह हुई तो दे सिलेक्टेड मी शॉर्ट लिस्ट करके उन्होंने फिर मुझे कर दिया और फिर जर्नी बिगैन शुरू में कोई प्रॉब्लम हुई शुरू के रिकॉर्डिंग्स में काफ़ी रिटेक लेने पड़ते थे या रिकॉर्डिंग्स में ऑब्वियसली स्टार्ट में तो दे वॉज दिस थोड़ा सा होता था आ, कभी फंबल कर गई कभी कुछ भूल गई क्योंकि हमारा एक सेगमेंट होता था आ, तो वो जिसमें मुझे कुछ बताना होता था तो हाँ कभी कभी फंबल या इस तरह की चीज़ें हो जाती थी लेकिन वो तो एज ह्यूमन बींग अभी भी कभी कभी oh, best बंदा कर ही देता है हाँ शुरू शुरू में हुआ था आ, लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ी सी

या रादर देन यस्टिंग स्किल्स हाँ कुछ ब्रांड्स थे जो मुझे अप्रोच करना शुरू हो गए थे जस्ट बिकॉज आई केम ऑन टेलीविजन लेकिन मेजोरिटी जो है वो आई थिंक दे प्रेफर मॉडल्स तो फायदा हुआ था मगर अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा कहें तो वो रिगार्डिंग मॉडलिंग वो नहीं हुआ वैसे ओवरऑल रिकग्निशन यस वो मुझे ज़रूर मिली थी बिकॉज़ एवरीबडी सम हाउ नोज अब मैं एक जगह बैठी हुई थी ना वो स्टॉकिंग टू सम वन तो वो कह रहे थे आपकी आवाज़ थोड़ी पहचानी पहचानी है क्योंकि आपने मेकअप नहीं किया नहीं वो, वो आपको ज़्यादातर लोग रिकगनाइज़ नहीं करेंगे मैंने कहा हाँ मैं मजाक रात में आती हूँ तो उन्होंने कहा हाँ हाँ जो ऑडियंस के साथ बैठती है तो सम हाउ पीपल है तो रिकग्निशन हाँ, मिली है मुझे अच्छा मजाक रात तो में वो जो आ, बैठे होते हैं कॉमेडियंस उनमें सबसे अच्छा कॉमेडियन कौन है या तेज कॉमेडियन कौन है कि जो कोई पॉइंट जाने नहीं देता आ, मुझे लग... वो मेरे ख्याल से आप शो देखेंगे आपको खुद ही पता लग जाएगा वो तो पता है मैं आपका आइडिया ले रहा हूं। हमारे कैसे पिया हैं अच्छा वो बहुत अच्छे हैं इस मामले में यानी कोई मौका नहीं जाने देते नहीं हुआ। हुआ। वो नहीं बल्कि आप इवन शो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा वो हर बात पे उन्होंने जुगत मारनी होती है ही सच एन एनर्जी बॉल और आपने इश्तखार ठाकुर को भी जुगत मार दी थी हालांकि वो तो जुगते मारते हैं तो आपने उनको जुगत लगा दी <laughs> वो उस टाइम दिमाग में आया था क्या वाक्या था वो Um, वो I don't know, उसकी शायद specific एक वो दुनिया टीवी ने एक वो भी लगाई थी जैसे रील होता है जीजी, वो लगाई थी कि रुक्मा ने जो है वो इफ्तार ठाकुर को जुगत मार दी आ, उन्होंने वो होता है ना स्टार्ट मिनटों में, में थोड़ा सा जुगत मारे होते हैं तो वो मेरे पे इस दफा मैं थी निशाना उनका अक्सर या तो हमारे होस्ट होते हैं या तो मैं होती या वो हमारे डीजे होते डीजे, हैं तो इस दफा निशाना मैं थी तो उन्होंने एक जुगत मारी कि इस तरह की लड़कियां तो पता नहीं अपने मंगेदर की फोटो देख के कहते हैं हाय इसकी नाक कितनी लंबी है तो मुझे फिर आ, क्लिक हुआ फौरन और मैंने कहा वो मंगेदर फिर आप पे गया होगा तो वो फिर काफी लाफ्टर आया था क्या वो था नहीं वो उस वक्त स्क्रिप्टेड नहीं था अच्छा वैसे नॉर्मली स्क्रिप्ट होते हैं आपके पास मजाकरात में जब आप कर रहे होते हैं तो सारे एक प्लान तो होता, होता होगा कि आज हमने इस टॉपिक पे करना है तो एक एक लाइन स्क्रिप्टेड होती है या कुछ वैसे भी होता है फिल्म में भी होता है आ, डिपेंड करता है कुछ स्क्रिप्टेड होता है कुछ खुद ही यू नो यू गो विद द फ्लो तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ दीज थिंग्स अच्छा आप पंजाबी के काफ़ी वर्ड बोल रही हैं तो ये क्या शुरू से ही या मजाक में आके मजबूरन सीखे हैं या उनको बोलते देख देख के सीखे हैं आपने uh, नहीं मैं आई बिलोंग फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली लेकिन इधर मेरे घर वाले मेरे साथ तो उर्दू ही बोलते थे ताकि मेरा एक्सेंट जो है वो ठीक रहे और आगे जाके उर्दू में एक फ्लुएंसी डेवलप हो जाए लेकिन ज़ाहिर बात है उनको देखते देखते पंजाबी जो है वो मैंने सीख ली थी तो आती है पंजाबी अच्छी बोल लेती हूँ लेकिन यह कि उस तरह से ठेठ पंजाबी जो है वो मेरे लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट है बोलना लेकिन वैसे मुझे आती है, में बोली जाती है। और खारिया गुजरात साइड के पंजाबी थोड़ी अच्छा। ज्यादा मुश्किल है मेरे ख्याल से लेकिन आई थिंक जो मेरे घर वाले शायद बोलते थे उसी तरह मुझे लगता मेरे घर वाले भी शायद बहुत ठेठ पंजाबी नहीं बोलते प्रॉपर एक्सेंट से आ, लेकिन वो जैसे बोलते थे मैं उसको ही मैं मैं कर लेती थी लेकिन आई थिंक मेरे जो मेरा जो पंजाबी एक्सेंट है उसमें एक ज़्यादा उर्दू वाला वो एक्सेंट है अब जैसे जिस तरह मैं अभी उर्दू बोल रही हूँ ना उसी तरह मैं पंजाबी बोलूँगी हालांकि पंजाबी में थोड़ा सा लटक के थोड़ा सा झटके दे के बोलते हो बट वो नहीं है चीज़ मेरे में एंड मैनी पीपल थिंक के मैं जान के बोलती हूँ जस्ट टू यू नो बी कूल और ये वो कि भाई मैं तो ऐसे बोलती हूँ बड़े मॉडर्न तरीके से लेकिन ऐसी बात नहीं है आ मुझे आती ही ऐसी है पंजाबी पंजाबी भी आपने रिसेंटली एक मूवी भी आपकी आ, मतलब कोई शूटिंग हो रही थी आ रही है जी तो जी वो क्या था उस मूवी में आपने क्या रोल प्ले किया और बाकी आपके साथ कौन कौन है उसमें Uh, जी मूवी की जो ओवरऑल कास्ट है उसमें एक मोहसिन अब्बास हैं साइमा बलोच हैं सना फखर हैं इफ्तार ठाकुर हैं नासिर चिनोटे साहब हैं और भी uh, okay. हैं लेकिन uh, मेरा रोल जो था वो एक लोअर मिडिल क्लास लड़की का था hmm. तो मुझे पंजाबी बेसिकली एक पंजाबी एक्शन कॉमेडी फिल्म है, ठीक है. तो मुझे उन्होंने कहा था ये डिफ़िकल्टी मैंने काफ़ी फेस की थी ड्यूरिंग द शूटिंग कि आपकी पंजाबी एक्सेंट जो है दैट शुड बी ऑफ अ लोअर मिडिल क्लास गर्ल यानी कि आपका मॉडर्नाइज नहीं होना चाहिए ये झटके देके थोड़ा सा बदतमीज़ एक्सेंट आपका होना चाहिए तो वो मैंने कहा मैं कहाँ से लाऊँ तो फिर मैंने जो है वो शूटिंग से कुछ दिन पहले ही अपने घर वालों के साथ या अपने दोस्तों के साथ पंजाबी बोलना शुरू कर दी थी तो हल्का फुल्का मुझे लगता है वो एक वो ठेठ वाला टच आया था लेकिन हां शायद उस तरह से वो नहीं आया था आगे जो है वो फिर इनशाला अल्लाह करे कि मंजिल आसान हो जाए तो आप क्या सारी जो मूवीज या ड्रामा वगैरह वो कॉमेडी साइड पे ही करेंगी या

डिफरेंट uh, रोल्स करने का ही प्लान है वर्सेटाइल होना चाहिए बंदे को मुझे खुद एक वो पसंद है कि देर शुड बी समथिंग डिफरेंट एक ही चीज़ पे स्टिक नहीं करना चाहिए uh, लेकिन ऑनेस्टली एक बड़ा शायद लगे लेकिन मुझे ना विलन uh, के रोल करना बड़ा पसंद है अच्छा मेरा हमेशा से होता है कि यार कोई ना Uh, मुझे विलेनस रोल मिले कोई जिसमें मैं ना और वो नहीं जैसे टिपिकल uh, होती नहीं है बहुएं वो फैमिली पॉलिटिक्स वाला नहीं प्रॉपर जैसे होता है ना कोई आ, कातिल कातला अच्छा। हो <laughs> कोई, कोई साइकोपात हो जो इस तरह की हरकतें करे मैंने एक इंडियन सीरियल देखा था बेहद वो जेनिफर विंगेट थी उसमें तो उन्होंने शी प्ले द रोल ऑफ अ साइकोटिक पर्सन मेंटली थोड़े से अनस्टेबल उन्होंने रोल प्ले किया था लेकिन बड़ा अच्छा प्ले किया था अपनी आंखों से वो बातें करती थी तो मेरा भी ना उनको देख के इंस्पिरेशन मिली है कि यार मैंने भी ना कोई इस तरह का

किस तरह के नॉर्मली आपको नहीं वैसे आई थिंक ऑन सेट मजाकरात के सेट पे इस तरह का कोई है नहीं सीन जो नहीं। मैं आपको बता सकूं क्योंकि उधर यही है कि अब आए काम किया और चले गए शूट्स में हाँ मॉडलिंग में थोड़ी ऊट पटांग हरकतें हो जाती हैं तो फिलहाल तो बहुत कुछ ऐसा हुआ नहीं तो मॉडलिंग का कोई मॉडलिंग का वाक्य अभी आई डोंट नो मैं रिकॉल नहीं कर पा रही लेकिन नहीं अभी फिलहाल रिकॉल नहीं कर पा रही लेकिन होते रहते हैं कोई, आ, कोई। वो कुछ ना कुछ रहे ऊट पटांग होता ही रहता है वो शुगर मेला लगता है क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा चल है काम है यहाँ पे ऑब्वियसली एक होता है कि आपने अपना काम करना है और आपने फिर चले जाना है तो, तो म्यूजिक आपको कौन सा पसंद है म्यूजिक काफी सुनती है ना आप हैंड्स फ्री लगाई होती हर वक्त तो क्या सुनती है म्यूजिक मुझे हर तरह का ही मैं सुन लेती हूँ डिपेंड्स ऑन द मूड टू वैसे तो ज़्यादातर हॉलीवुड के ही सॉन्ग्स uh, जो हैं वो मुझे पसंद होते हैं इंग्लिश सॉन्ग्स वही मैं सुन रही होती हूँ जैसे मी डाउन स्लोली हो गया और इस तरह बॉलीवुड के भी सुन लेती हूँ भंगड़ा और वो सैड सॉन्ग्स वो आतिफ असलम के जो हैं वो मुझे बड़े पसंद हैं तो हर तरह का योनरा जो है वो मैं आ, सुन लेती हूँ इतना मुझे इशू नहीं होता बट हाँ मूड पे डिपेंड करता है लेकिन नहीं। नहीं। पहले मैं ये करती थी कि जब मैं उदास होती थी तो अपने आप को मजीद उस जोन में लेके जाने के लिए कोई सैड सॉन्ग सुन लिया या इस तरह कुछ नहीं। नहीं। लेकिन अब नहीं अब मैं ना उदास अगर होती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि कोई अच्छा कोई चेयरफुल म्यूजिक लगाऊ ताकि मैं ना नाच सकू या थोड़ा बेहतर हो सकू उस पर नहीं मुझे बिल्कुल नहीं आता मैं आई ऑलवेज वॉन्टेड टू सिंग एज वेल लेकिन फिर आपको आप, रियलाइजेशन हो जाती है कि आप नहीं कर सकते सिंगिंग लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर कोई हो सिखाने वाला तो हो सकता है कि ऑटो ट्यून करके सिंगर बने गुनगुनाना जो रूटीन में कोई भी बंदा गुनगुनाता है वो तो कभी होता होगा ए, वो भी नहीं होता क्यूँकी जब होने की कोशिश होती है ना तब मुझे अपना आप ही बुरा लगना शुरू हो जाता है कि यार ये क्या है आज वैसे, कोशिश करें कुछ भी इंग्लिश पंजाबी उर्दू जो भी आप सुनते हैं उसमें गुनगुनाने की मैंने कभी गुनगुनाया नहीं वैसे आपको आते तो है ना गाने जो सुनती है तो गुनगुनाते ये जुलम ना कीजिएगा अपने ऑडियंस के साथ नहीं 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 कोई भी कोई सुर नहीं है आ, गाती तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ गुनगुनाने वाला सीन कभी हाँ, कभी मैं गुनगुनाने की बात कर रहा हूं। कुछ हो जाता है वो आज भी हो जाए स्पेसिफिक टोन नहीं है कोई ऐसे ऐसा मतलब बैठे बैठे बस हाँ, कोई भी इस तरह कर लेती हूँ अच्छा स्पेसिफिक कोई गाना नहीं नहीं है कोई स्पेसिफिक गाना नहीं है बस बैठे बैठे अगर कोई काम करी उन्होंने तो यही चीज है वरना क्योंकि मुझे अंदाज़ा है हकीकत का मुझे अच्छी तरह से पता है तो मैं फिर इन चीज़ों से दूर ही रहती हूँ बल्कि अकेले में भी हूँ ना तब भी मैं अपने कानों के साथ ये जुलम नहीं होने देती अच्छा अच्छा आपको वहाँ पे मजाक में कभी जुकते मिलती भी हैं क्योंकि आपने मतलब कहनी है आ, नहीं क्योंकि मी एज अ होस्ट कोशिश होती है कि जो मेरे क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े लाइटर मूड पे हों वो थोड़े से आगे जो है वो फनी कंटेंट क्रिएट करें लेकिन वो डेफिनेटली कॉमेडियंस की ही जॉब होती है तो वो 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 ही करते हैं मुझे पर्सनली क्वेश्चंस मैं पूछती हूँ तो वो ही बस और आम रूटीन में जब फ्रेंड्स के साथ या फैमिलीज के साथ बैठी हैं वहाँ मजाक करती हैं वहाँ से आप डेली इतनी झुकते सुन के आती हैं तो आगे लगाती भी हैं जाके नहीं वो नहीं मैं लगाती मेरे दरअसल अगर कोई मजाक हंसी मजाक होता है ना तो वो मीम्स के थ्रू होता है तो डिफरेंट आजकल हमारी आवाम को मैं क्या कहती हूँ इतनी टैलेंटेड आवाम है मैं कहती हूँ कैसे कर्जा चढ़ गया इन पर ऐसी ऐसी मीम्स होती हैं ऐसी ऐसी मीम्स होती हैं मतलब वो उनके थ्रू में ना एक वो हंसी मज़ाक कर लेती हूँ नॉर्मल लाइफ में नहीं, इतना ख़ास नहीं मेरी ही नहीं ज़्यादा लोगों से होती ऑनेस्टली मैं ज्यादातर अकेले ही रहती हूँ विद वेरी फ्यू पीपल ये एक साइड है थोड़ी सी निकलती है लेकिन वो वाली रुकते नहीं वो शायद डिफरेंट होती हैं अपनी ही एक वो फ्रेंड से रिलेटेड ही होती है, हैं जो गुते वैसे उन जुक्तों में कोई कोई जुक्ते तो हमें दो तीन सुनाए ना आप हमारी ऑडियंस <laughs> को कोई भी जो मतलब स्टेज पे होती हैं या सेट पे होती हैं और आपको अच्छी लगती हैं किसी की भी आ, एक जुगत थी वो मुझे याद थी आई डोंट नो वो हमारे होस्ट को की थी किसी कॉमेडियन या सिंगर को की थी कि पता नहीं वो उन्होंने रोज़ कोई ना कोई टॉपिक डिसाइड किया होता है तो या तो इतने बदकिस्मत हैं ठीक है फिर वो इतने बदकिस्मत है कि ये हो जाता है फिर दूसरा बोलता है इतने बदकिस्मत है कि वो हो जाता है तो एक वो था कि इतने बदकिस्मत हैं कि जब भी पैराशूट लगा के जा रहे होते हैं तो वो खुलता खुलता ही नहीं इसका कुछ था

हां उसकी कोई स्पेसिफिक रीजन है कि बचपन से या बस वैसे ही शौक हो गया है पेट्स का आई डोंट नो मुझे शुरू से ही बहुत ज्यादा शौक था पेट्स को ओवरऑल नहीं लेकिन आई एम अ डॉग लवर तो मुझे डॉग्स का बहुत ज्यादा क्रेज़ है तौर पे फीमेल्स का कहते हैं कि वो कैट लवर्स होती हैं उन्हें बिल्लियाँ बड़ी पसंद होती हैं लेकिन ना मुझे uh, कुत्ते पपीज मुझे बहुत पसंद है इवन हम कहीं जा रहे होते हैं ना तो मुझे कोई रास्ते में नज़र आता है तो मैं गाड़ी रुकवा लेती हूँ वो रुको रुको रो ये देखो कितना क्यूट है इस वास्ते तो वास्तवें गड्डी रुकवाई है साड़ी चो अच्छा। <laughs> हाँ तो इस तरह की मेरी थोड़ी सी आदत है लेकिन मैं इवन हमेशा ये कहती हूँ कि आगे जाके लेट्स सपोज अगर मेरी शादी ना हुई तो आ, मेरा एक घर होगा जिसमें कोई दस पंद्रह कुत्ते होंगे हर नस्ल के तो ये एक मेरा फ्यूचर प्लान है नहीं, आपका प्लान है कि कुत्तों के साथ रहना है क्योंकि देखे मुझे ऐसा लगता है कि शादी तो डेफिनेटली आगे नो नोस के क्या सिनेरियो है क्या नहीं लेकिन मुझे लगता है कि हमारी हमारे कल्चर ने ना एक प्रेशर डाल दिया है हमारे ऊपर टू गेट मैरिड कि अगर आप शादी नहीं करेंगे तो आपके साथ आपके साथ ये होगा योर योर इनकम्प्लीट यू विल एंड बीइंग सैड और ये वो मुझे लगता है कि शादी एक ऐसी चीज़ है जो आपको तब करनी चाहिए जब आप रेडी हैं ना कि आपको सोसाइटल प्रेशर uh, में आके कुछ करना चाहिए या इस तरह कुछ सो यू शुड गेट फील लाइक इट और अगर नहीं तो फिर कुत्ते <laughs> नहीं अगर हो भी गई तब भी कुत्ते अच्छा तब भी कुत्ते। लेकिन अगर नहीं हुई तो फिर ज्यादा कुत्ते <laughs> अच्छा। <laughs> खाने में क्या पसंद है uh, खाने में मुझे uh, सब कुछ ही पसंद है मैं बहुत ज्यादा फूडी हूँ बहुत ज़्यादा फूडी हूँ मैं अपने आप को रोक नहीं सकती ज़्यादातर इटालियन पास्ता खा लेती हूँ और इसके अलावा देसी फूड भी कड़ाही एनी थिंग एनी थिंग हाँ बस कुछ वेजिटेबल्स हैं वो कुछ खास पसंद नहीं है लेकिन वैसे मैं सब कुछ खा लेती हूँ मुझे के का बर्गर बड़ा पसंद है दैट इज़ वन ऑफ़ माई फेवरेट और ऐसा होता है कि कभी कभी अगर मैंने डाइटिंग भी आ, करनी होती है ना या मुझे ऐसा फील हो रहा होता है कि मेरा वेट आ, जो है वो ज़्यादा हो रहा है तो मैं ये नहीं करती कि ये नहीं खाया वो नहीं खाया आ, होता है ना जैसे लोग अंडों पे आ जाते हैं या लोग बहुत ज़्यादा सैलड्स खाना शुरू हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ़ द रियल फूड तो मैं बस ये करती हूँ कि मैं इंटरमीटेंट फास्टिंग कर लेती हूँ तो उसमें एक वो पीरियड होता है आपका जिसमें आप खाते हो फिर एक पीरियड आपका फास्ट का होता है तो वो मैं आ, कर लेती हूँ और मेरे लिए तो वेट लॉस के लिए वो अच्छा रहा था क्योंकि आई एम समन जो ख़ुद को खाने से नहीं रोक सकती तो मैंने कहा चलो फास्ट ही कर लेते हैं फिर इस तरीके से वजन कम अच्छा अभी आपने बात की डाइटिंग की तो मॉडलिंग में नॉर्मली बॉडी शेमिंग बहुत होती है तो वो आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ या आप क्या समझती है कि क्यों ऐसा होता है और क्या क्या होता है इसमें बॉडी शेमिंग डेफिनेटली हुई है एक चीज़ जो हमारे आई थिंक लोगों को शायद नहीं पता इज हाउ टू डिफ्रेंश बिटवीन बुलिंग एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो हमारी जो वाम है वो हमें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं देती वो हमें सीधा सीधा बुली करती है hmm. मैं जब इस फील्ड में आई थी हाँ एज अ मॉडल ठीक है मॉडल को ये प्रसिव किया जाता है कि वो बिल्कुल पतली hmm. हो ज़ीरो साइज़ हो वो अब ऑब्वियसली अभी भी ट्रेंड है ठीक है अंडरस्टैंडेबल है मैं ज़ीरो साइज़ कभी नहीं थी जब मैं मॉडलिंग में आई थी और मुझे ऑनेस्टली प्रेफरेंस भी नहीं है क्योंकि हर किसी की अपनी एक वो आ, होती है कि यार इस तरह ठीक है उस तरह ठीक है तो आई फील लाइक कि आई डोंट वॉन्ट टू बी अ वेरी ज़ीरो साइज़ और वेरी स्लिम पर्सन तो ये था कि हाँ ठीक है काम तो मैंने किया लेकिन आ, पिछले साल आई रिम्बर हल्के फुल्के ताने शाने तो देते रहते थे कि यार बिल्कुल जीरो साइज क्यों नहीं हो बहुत पतली क्यों नहीं हो अभी और पतली हो वो तो चलो हल्का फुल्का चलता रहता था लेकिन पिछले साल मेरा जो है वो वेट गेन अचानक से हो गया था तो आई आई थिंक गेंड अबाउट टेन किलोग्राम जो मेरा कभी अच्छा। जिंदगी में नहीं था हुआ मेरा मेटाबोलिज्म इट्स नॉर्मल यानी कि मेरा फिफ्टी एट या फिफ्टी सेवन किलोग्राम्स अगर है ना तो मेरा मैक्सिमम सिक्सटी वन सिक्सटी टू तक जाएगा और मैं 58 से मैं आज दो तीन महीने में आई गॉट टू तो 68 और मैं जब आई स्ट ऑन स्केल मैं कहा यार ऐसा हो ही नहीं सकता ये स्केल ही गलत है मैं मेरा तो कभी जिंदगी में इस तरह नहीं हुआ क्योंकि हाइट भी मेरी लंबी है तो सारा बैलेंस आउट हो जाता है तो लगता ही नहीं कि 10 किलो बड़ा था तो हाँ फिर वो मैं जब इस उस फिजिक के साथ गई थी मॉडलिंग में तो वहाँ तब तो काफ़ी ज्यादा बुलिंग हुई थी कि ये क्या कर रही हो हालांकि बंदे के मसले हो सकते हैं आप बीमार हो सकते हो आपके हजार हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं स्पेशली बीइंग अ फीमेल आपकी बॉडी पे बहुत चेंजेस होते रहते हैं डेली बेसिस पे तो ये क्या कर रही हो ये देखो कहाँ से मास लटका हुआ है ये क्या हो गया है ये नजर आ रही है डबल चेन तुम्हारी अल्लाह माफ करे पीछे से देखो ये, मतलब इतने बुरे बुरे कॉमेंट्स और इट्स नॉट ओनली अबाउट द फ़िजीक आपके फेस पे भी बहुत कमेंट्स करते हैं कि लिप्स जो हैं वो पता नहीं वो थोड़े से फिल करवा लें और जो है वो आंखें जो हैं वो थोड़ी सी टेरी हैं नाक की थोड़ी हड्डी यहाँ पे निकली हुई है उसको थोड़ा लगा के सही कर दो और और भी काफ़ी चीज़ें फेस पे बेबी फैट है मैंने कहा मेरे इतना सा मेरा मुंह है इस पे भी बेबी फैट है भाई क्या करते हो यार तुम लोग तो काफ़ी ज़्यादा हाँ एक वो आ, लोग जो हैं वो करते हैं आपको क्रिटिसाइज उस प्रोफेशन में और मुझे इतना वो अजीब फील हुआ कि हालांकि अगर कोई मुझे कहता ना आके कि अच्छा वेट गेन हो गया क्या हुआ है तबियत ठीक है एवरीथिंग ऑल राइट तो आ, मुझे अगर आराम से भी ये चीज़ कही मुझसे आराम से भी अगर ये चीज़ कही जा सकती थी कि यार आप डेफिनेटली वेट लूज़ कर लो ये एक रिक्वायरमेंट होती है मॉडलिंग की क्यों नॉट सपोज टू लुक लाइक द आट एंड यू सपोज टू यू नो है दिस काइंड ऑफ साइज तो एक होता है ये होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिजम लेकिन वो तो भुली पे ही उतर आते हैं और फिर आगे से बात कर रहे होते हैं आ, एक दूसरे के साथ के ओ रुखमा शी हैज़ गडीज वो तो मॉडलिंग नहीं कर रही ये वो वो तो इतनी अजीब हो गई है तो इस तरह के कमेंट्स काफी ज्यादा मैंने सुन सुने हैं अपने बारे में तो वो फिर मैं इतनी ज्यादा डिसहार्ट हुई थी कि आई फेल्ट लाइक कि यार मैंने करनी ही नहीं है मैंने एक किस्म का मैंने छोड़ दी हुई थी मॉडलिंग फॉर लाइक वन और टू मंथ्स मैंने क्विट कर दिया था ये प्रोफेशन मैंने कहा नहीं यार मैं बस बाहर अब अप, अप्लाई करूँगी एम फिल क्योंकि मेरा आगे इरादा है एम फिल करने का तो मेरा था नहीं मैं आगे एम फिल करूंगी और फिर वहीं उसी फील्ड में कुछ ना कुछ कर लूँगी बट देन माई फैमिली लाइक मेरी अम्मा और मेरे फ्रेंड्स वगैरह उन्होंने मुझे कहा कि नहीं यार इट्स समथिंग दैट आर पैशनेट अबाउट क्योंकि हमने तुम्हें देखा है कि यू स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम स्क्रैच और आई आई के वी रिमेंबर के जब तुम्हारा सबसे पहले पोस्टर लगा था या तुम्हारा बिल बोर्ड लगा था या तुम फैशन शो कर रही थी तो हमें याद है कि जो तुम्हारी आंखों में खुशी थी दैट वॉज समथिंग एल्स तो दैट इज समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी ठीक है ये आपका पैशन है तो यू आर नॉट सपोज टू लीव इट ठीक है हिम्मत नहीं हारो तो फिर मैंने कहा ओके फाइन देन आई एक्चुअली लिटिल ब्रेक और उसमें मैंने फिर अपने आप को थोड़ा दोबारा से उस तरह किया था कैसे आ, किया? फिर कोई या कोई था? आ, अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि आई गॉट ऑन एन एंटीबायोटिक कोर्स फॉर थ्री मंथ्स तो उसकी वजह से मेरा वेट काफ़ी गेन हो गया था क्योंकि आई वॉज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जिसका हो जाए वेट गेन क्योंकि मेरा है कि आई ईट एवरी थिंग लेकिन हल्का सा होता है ना कि एक दो किलो चढ़ गया वो भी तब जब मैं बिल्कुल ही पड़ी रहा और मैं खाती रहूँ अदरवाइज मेरा मेटाबॉलिज्म इज नॉर्मल मैं बहुत ज्यादा नहीं uh, करती uh, वेट गेन तो वो मेरा हुआ था आई थिंक मेडिकेशंस की वजह से तो देन आई वॉज लाइक ओके मैंने करना है वेट लूज uh, तो आई थिंक अगस्त 2021 में आई वाज ऑलमोस्ट 68.8 समथिंग 69 किलोग्राम्स मैंने अपने आप को वे किया था और फिर मैंने कहा कि चलो मैं स्टार्ट कर देती हूँ एक यूट्यूबर है उनका नाम है क्लोइिंग hmm. उनके हिट वर्कआउट्स थे वो मैं करती थी हिट वर्कआउट्स में बेसिकली ये होता है पंद्रह बीस मिनट के होते हैं उसमें फोर्टी फाइव सेकेंड्स की एक एक्सरसाइज आपको करनी होती है फिर आपके टेन सेकेंड्स की ब्रेक होती है फिर दोबारा आपको कुछ कोई और एक्सरसाइज करनी होती है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव था दूसरा इंटरमीडियट फास्टिंग मैंने की थी क्योंकि मेरे से देन अगेन मैंने कहा कि मैं अगर अंडों पे आ गई या मैं ये चीज़ें करना शुरू हुई कभी मैंने जिंदगी में ये चीज़ नहीं की थी मैंने दोबारा एक दो हफ़्ते बाद वही बर्गर खाना शुरू कर देना है पिज़्ज़ा खाना शुरू कर देने हैं तो एक तो आई ट्राइड पोशन कंट्रोल बहुत कोई खास कोई नुस्खा नहीं था मेरा ठीक है एक्सरसाइज जो आपने बताई वो क्या क्या थी मुझे आप 15 20 मिनट्स की बता दीजिए इसमें किस किस्म की एक्सरसाइजेस होती थी आ, वो था हिट वर्कआउट क्लोईटिंग थी उनका यूट्यूब चैनल था उनको ठीक मैंने फॉलो किया हुआ था बल्कि उनके अक्सर प्रोग्राम्स भी आते हैं ट्वेंटी डे शेड चैलेंज ट्वेंटी डे वेट लॉस चैलेंज ट्वेंटी डे फ्लैट स्टमक चैलेंज तो लेकिन उनके वैसे सेपरेटली भी हिट वर्कआउट्स होते हैं तो फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स के वर्कआउट होते थे आ, स्टार्ट जैसे कर लिया बाय जंपिंग जैक्स ठीक, ठीक है उसके बाद फोर्टी फाइव सेकेंड्स का वो हो गया फिर टेन सेकेंड्स रेस्ट फिर बर्पीज़ कर लिए वो होती बहुत इंटेंस थी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अच्छा वेट लूज़ हुआ है फिर उसके बाद हाँ दस मिनट की वो एब एक्सरसाइज या इस तरह कुछ वो तो चलो होता रहता था लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आ, मेरा हिट वर्कआउट से लूज हुआ था ना दैट वॉज एल्स और एक और चीज़ ये कि मैंने जब मेडिसिन छोड़ दी थी और फिर मैंने थोड़ा सा अपने बॉडी को शॉक किया कि यार गेट बैक तो वो जहरी बात है जब आपका सारी जिंदगी एक ही कॉन्स्टेंट वेट रहा होता है तो ऐसा आहिस्ता वो दोबारा खुद ही उसकी तरफ आना शुरू हो जाता है मेरा तो जो वेट गेन था वो मेरी अपने मेटाबॉलिज्म की वजह से तो नहीं था दैट वाज़ बिकॉज ऑफ मेडिकेशन तो मैंने थोड़ा सा अपनी बॉडी को शॉक किया थोड़ा सा मैंने हिलाया जुलाया अपने आप को तो वो फिर ऑटोमेटिकली खुद ही वापस आता गया लेकिन हाँ मेरी एफर्ट थी मेरी इंटरमीडियंट फास्टिंग थी अलॉन्ग विद माई वर्कआउट्स तो रनिंग भी कभी कभी मैं कर लेती थी रनिंग मुझे ऐसा लगता है कि जितनी इफेक्टिव रनिंग है उतना मुझे नहीं लगता और कुछ है रनिंग इज़ आई थिंक फॉर मी इट्स वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स टू लूज वेट और दूसरा ये कि पानी ज़्यादा पीना मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं खाने से एक खाने से पहले एक या डेढ़ ग्लास पानी पी लूँ ताकि मैं ऑटोमेटिकली कम खाऊँ और एक और चीज़ ये कि स्लो ईटिंग ठीक है स्लो ईटिंग जो है आई डोंट नो मोस्ट पीपल नो इट और नॉट लेकिन आप जब एक आ, बाइट लेते हो ना एक चीज़ का उसको आप स्लोली च्यू करो और पता नहीं आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर लेकिन थर्टी थ्री टाइम्स उसको च्यू करना होता है अच्छा। या कितनी दफ़ा च्यू करना होता है आप अगर उसको स्लोली च्यू करोगे ना तो अब ऑटोमेटिकली आप, आप फुल फील करना शुरू हो जाओगे और आप कम खाओगे और आपका मेटाबॉलिज्म भी इस तरह तेज हो जाएगा तो हाँ इंटरमीडियन फास्टिंग स्लो ईटिंग हैविंग वाटर और बस एक्सरसाइजिंग इन चीज़ों से दोबारा वेट जो है वो मेरा हो गया था और मुझे लगता है कि शायद अगर मेरा नॉर्मल उतना ना होता वेट तो मेरा उस इतना एब्रप्टली ना गिरता क्योंकि एक तो ये भी था कि शुरू से एक कॉन्सटेंट वेट रहा था तो जब एक एक्सटर्नल चीज़ की वजह से वेट मेरा बढ़ा वो चीज़ अब हट गई तो खुद भी मैंने थोड़ा सा अपने आप को कोशिश किया इस चीज़ में लेके आने के लिए तो ऑटोमेटिकली फिर ना खुद ही खुद खुद ही अपने उस पर आ गया आ, लेकिन ये है कि अब वो वेट तो मेरा हो गया था लूज़ लेकिन आ, मुझे ये है कि मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ को मैं एक लाइफ स्टाइल बनाऊँ गुड ईटिंग ईटिंग हेल्दी और वर्किंग आउट क्योंकि कभी ज़िंदगी में नहीं किया था पहली दफ़ा किया ठीक है तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस चीज़ को एक लाइफ स्टाइल बनाऊँ क्योंकि ऑब्वियसली आपने आगे जाना है एज योर एजिंग आपका खुद मेटाबॉलिज्म स्लो होगा आप खुद जो है वो वीक फील करोगे तो इट्स बेटर कि खुद इस चीज़ को मैं जो है वो हैबिट बनाऊं लेकिन बड़ी कोशिश करती हूँ प्रोक्रेस्टिनेशन करती हूँ अगले मंडे से शुरू करूँगी अगले मंडे से शुरू करूँगी वो मंडे फिर आते ही नहीं है अच्छा। तो लेकिन बस मैं चाह रही हूँ कि मैं इस चीज़ को अब एक हैबिट बना लूँ क्योंकि मुझे पता है कि आगे जाके फिर मजीद जब मुश्किल आएंगी कि क्या आपका जब बुढ़ापा आएगा ऑटोमेटिकली आप वीक हो जाते हो आपका मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है प्लस एक वैसे भी एक है दिमाग में ना एक आइडियल बॉडी टाइप है कि अच्छा यार ये है एक फिटनेस है इंस्ट्रक्टर हैं यूट्यूब पे आती हैं और उसका एक चैनल चैनल है यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे भी उसकी प्रोफाइल है तो मैं उसको देखती रहती हूँ कि तू यार मैंने इसकी तरह बनना है अच्छा तो एक वैसे ही दिमाग में थोड़ा सा ना है कि अच्छा ऐसा हो, होना है तो उसके लिए डेफिनेटली आपको अपने आप को थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा मुझे लगता है कि अभी भी थोड़े आर्म फैट का मुझे इश्यू है बेली मेरा काफ़ी निकल आता है जब मैं कुछ खाती हूँ लेकिन हाँ उस तरह से नहीं

आपको खुद लगा हो कि इसमें कोई मसला था या मुझे नहीं करना चाहिए था कभी कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम होगा आपके साथ uh, नहीं आई थिंक इट्स हाउ आई एम क्योंकि मेरी फैमिली की तरफ से तो कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं थी और uh, मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि हर किसी का अपना स्टाइल होता है मेन रीज़न जो है वो ये है कि हमारे जो शूट्स होते हैं ना uh, पाकिस्तान में वो हमारे शलवार कमीज़ों वाले होते हैं और वो मतलब घगरा चोली वाले हो गए और इस तरह कुछ तो जब कोई वेस्टर्न वेस्टर्न मुझे मिलता ही बहुत कम शूट है तो जब कोई वेस्टर्न शूट मिलता है तो वो फिर शायद लोगों के लिए थोड़ा ऑड हो जाता है बिकॉज इट्स समथिंग डिफरेंट तो अमूमन मैंने ज़्यादा नहीं किया होता बैकलैश मुझे कुछ खास उस तरह से नहीं मिलता Uh, क्योंकि शायद अभी ऑडियंस इतनी ज्यादा नहीं है रीच उतनी उस तरह से ज्यादा नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए तो बस जब होगी तो फिर मिलेगा भी क्योंकि पाकिस्तान में हाँ वो तो डेफिनेट सी बात है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो आवाम है उसने वैसे ही कोई ना कोई किसी ना किसी बात का बतंगड़ बनाना होता है किसी ने uh, एक आई रिमेंबर मैंने मैं वैसे ही ना एक इंस्टाग्राम uh, पे प्रोफाइल्स देख रही थी बिफोर आई इवन केम टू एक्टिंग और मॉडलिंग तो uh, मैं जो है वो प्रोफाइल्स देख रही थी एक प्रोफाइल uh, uh, पे आई मैं वहाँ पे एक लड़की थी शी वॉज आई थिंक वेयरिंग स्लीवलेस तो नीचे कमेंट्स आए हुए थे ये देखो बाजू उसने निकाली हुई है शर्म नहीं आती पूरे बाजू पहन लेती पर वैसे आई आई है टू कम अक्रॉस अ प्रोफाइल जिसमें लड़की ने फुल uh, पहना हुआ था बट शी वॉज वेडिंग जीन्स शर्म नहीं आती इसको जीन्स पहनी हुई है ये वो द, ये तो हमारा कल्चर नहीं है आई गेम अक्रॉस अ गर्ल जिसने पूरे वो पहने हुए थे ठीक है और uh, uh, शलवार कमीज पहनी हुई थी एंड पीपल व लाइक दुपट्टा ही ले लेती दैन <laughs> एक और प्रोफाइल मुझे नज़र आई जिसमें दुबट्टा था यार सर पे ही ले लेती दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट कोई सर वाले भी होती हैं नकाब कर लो सो पीपल हैव एवरी थिंग टू टॉक अबाउट वो किसी भी हाल में खुश नहीं है इवन हमारे यहाँ पर जो नकाब करती हैं उनको कहते हैं कि ये जो है वैसे ही फ्रॉड कर रही हैं और ये वो तो आई थिंक कोई भी बंदा हो लोग उसको चैन से नहीं जीने देते थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू थैंक यू